हेलो किडोस, आज हम करेंगे क्लास 4 मैथ्स ओलंपियाड यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 21, मधु फिनिश्ड कलरिंग अ पेपर शीट इन 5/12 आवर्स। सुनीता फिनिश्ड कलरिंग द सेम पेपर शीट इन 3/4 आवर्स। हाउ लॉन्ग सुनीता टुक मोर देन मधु इन कलरिंग द पेपर शीट। मधु ने एक पेपर शीट को कलर किया 5/12 आवर्स में, सुनीता ने कलर किया 3/4 आवर्स में। सुनीता ने मधु से कितना ज़्यादा टाइम लिया? अब ये तो बता दिया कि सुनीता ने ज़्यादा टाइम लिया है, तो मधु से कितना ज़्यादा लिया है माइनस करेंगे। सुनीता ने जो टाइम लिया है उसमें से मधु ने जो टाइम लिया है माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब 3/4 में से 5/12 को माइनस करो। अब क्योंकि डिनोमिनेटर अलग है तो हमको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 12 का एलसीएम आया 12। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ न्यूमरेटर में, 3 3 9, और 12 के टेबल में 12 आता है 1 टाइम, तो 5 से इसका 1 का मल्टीप्लाई 5, 9 माइनस 5, 4/12 आवर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 1 4 4 3 12, तो 1/3 आवर्स टाइम ज़्यादा लिया है। क्वेश्चन नंबर 22, देर आर 125 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इफ ईच स्टूडेंट हैज 2 पेन एंड 1 पेंसिल, देन हाउ मेनी पेन एंड पेंसिल ऑल टुगेदर आर देयर इन द क्लास। टोटल 125 स्टूडेंट्स है एक क्लास में और हर बच्चे के पास 2 पेन है और 1 पेंसिल है, तो टोटल उनके पास कितने पेन पेंसिल हुए? 125 स्टूडेंट्स, हर बच्चे के पास 2 पेन, तो पेन कितने हुए? 125 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ 250। और 125 स्टूडेंट, हर बच्चे के पास 1 पेंसिल, 125 मल्टीप्लाई 1 125, टोटल कितना हुआ? 250 प्लस 125 375। क्वेश्चन नंबर 23, वेट ऑफ अ बैकपैक एंड अ सूटकेस ऑल टुगेदर इज 28 kg। इफ द वेट ऑफ 3 बैकपैक इज इक्वल टू 1 सूटकेस, देन द वेट ऑफ द सूटकेस इज। अगर एक बैकपैक और एक सूटकेस का वेट मिला के 28 kg है और 3 बैकपैक का वेट मिला के 1 सूटकेस के बराबर है, तो सूटकेस का वेट कितना होगा? अब यहाँ पे हमको 2 इक्वेशन दी हुई हैं। एक दिया है बैकपैक प्लस सूटकेस इज इक्वल टू 28 kg, दूसरा इक्वेशन दिया है 3 बैकपैक इज इक्वल टू 1 सूटकेस। और हमको पता है 3 बैकपैक इज इक्वल टू 1 सूटकेस। पहली वाली इक्वेशन में हम सूटकेस की जगह 3 बैकपैक लिख सकते हैं, तो 3 बैकपैक प्लस बी इज इक्वल टू 28। 3 बैग प्लस 1 बैग हो गए 4 बैग, 4 बैग इज इक्वल टू 28, तो 1 बैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 4 बैग 28 kg के हैं तो 1 बैग हो गया 28/4, 7 kg। एक बैग 7 kg का है। अब हमको दिया था 1 सूटकेस इज इक्वल टू 3 बैकपैक, एक सूटकेस जो है वो 3 बैकपैक के बराबर है, हमें सूटकेस का वेट निकालना है, तो 7 × 3 = 21 kg। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹890, देन द कॉस्ट ऑफ 2 लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी। अगर 10 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट ₹890 है तो 2 लीटर की कितनी होगी? 10 लीटर 890, 1 लीटर का निकालो पहले, 890/10 ₹89। 1 लीटर का 89 है तो 2 लीटर का कितना होगा? 89 × 2 178। क्वेश्चन नंबर 25, देर आर 324 बैडमिंटन शटल पैक्ड इक्वली इन 9 सिलेंड्रिकल बॉक्सेस। हाउ मेनी शटल्स वर पैक्ड इन ईच बॉक्स। 9 बॉक्सेस के अंदर 324 शटल्स हैं, तो एक बॉक्स के अंदर कितना होगा? बहुत ईजी है, 324 को आप 9 से डिवाइड करो, 9 3 27, यहाँ बचा 5 और ये आया 4, 9 6 54, तो 36 शटल हैं एक बैग के अंदर, लेकिन आंसर में तो हमको 36 दिया ही नहीं है, डजन में दिया हुआ है, तो इसको डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 डजन में होता है 12 नंबर्स, 36 नंबर है हमारे पास, डजन में कन्वर्ट कर दो, 36/12 3 डजन। क्वेश्चन नंबर 26, इफ यू रन 5/6 ऑफ एन आवर एवरी डे, हाउ मेनी आवर्स वुड यू रन इन अ वीक। अगर आप एक दिन में 5/6 ऑफ एन आवर रन करते हो तो एक वीक में कितना करते हो? पहले एक दिन का निकालते हैं, 5/6 ऑफ एन आवर, 5/6 मल्टीप्लाई एक घंटे में 60 मिनट मल्टीप्लाई 60। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 6 10 60, 5 10 50, तो 50 मिनट्स आप एक दिन में करते हो। हमसे पूछा है एक वीक मतलब 7 डेज, तो 50 का मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 350 मिनट्स आप एक वीक में रन करते हो, लेकिन आंसर्स में तो मिनट में दिया ही नहीं है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। कैसे करेंगे? 60, एक घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो 350 को हमको 60 से डिवाइड करना होगा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कट गया, अब बचा 35, 35 को डिवाइड करो 6 से,
सिक्स फाइव ज़ा 30, ये 5 बचा रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर होता है वो बन जाता है न्यूमरेटर, ठीक है। और जो होल नंबर आता है ये आ जाता है होल नंबर, और 6 बन गया हमारा डिनोमिनेटर, तो हमारा आंसर आ गया 5 5/6 ऑफ एन आर। क्वेश्चन नंबर 27, इफ 4 केजी ऑफ एप्पल कॉस्ट ₹320, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 300 ग्राम्स ऑफ एप्पल। 4 केजी एप्पल की कॉस्ट ₹320, 500 ग्राम की हमसे पूछी है, तो पहले 4 केजी से हम 1 केजी की कॉस्ट निकालते हैं। 1 केजी की कॉस्ट होगी 320 डिवाइड बाय 4, 80 रुपीज़। 1 केजी 80 रुपीज़ का आता है, 500 ग्राम कितने का आएगा, तो 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, 80 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है 500 ग्राम की कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 500। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 20 से 20 कट गए, 5 के टेबल में 10 टू टाइम्स आ गया, अब 2 से 80 कट गया 40, तो 500 ग्राम की कॉस्ट होगी 40 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 28, बेला स्विम 1.5 किलोमीटर्स एवरी डे एक्सेप्ट ऑन द वीकेंड्स व्हेन शी टेक्स ब्रेक, हाउ फार शी वुड स्विम इन 4 वीक्स। बेला हर रोज 1.5 किलोमीटर स्विम करती है एक्सेप्ट वीकेंड्स, वीकेंड्स को छोड़ के, तो वो 4 वीक में कितना स्विम करेगी। पहले एक वीक का निकाल लेते हैं, एक वीक में होते हैं 7 डेज, लेकिन वीकेंड्स पे वो स्विम नहीं करती, तो सैटरडे संडे स्विम नहीं करती, तो वो 5 डेज स्विम करती है। 1.5 किलोमीटर हर दिन करती है, 5 डेज में 1.5 मल्टीप्लाई 5, 7.5 किलोमीटर वो एक वीक में स्विम करती है। हमसे पूछा है 4 वीक में कितना करेगी, एक वीक में 7.5 किलोमीटर, 4 वीक में 7.5 मल्टीप्लाई 4, 30 किलोमीटर करती है। क्वेश्चन नंबर 6, अ फैमिली ऑफ 6 गो टू अ मूवी, 2 अडल्ट एंड 4 चिल्ड्रन, टोटल कॉस्ट फॉर 2 अडल्ट टिकट इज ₹220, टिकट फॉर चिल्ड्रन इज हाफ प्राइस ऑफ द अडल्ट, हाउ मच इज द टिकट प्राइस फॉर ऑल चिल्ड्रन। टोटल 6 लोगों की फैमिली एक मूवी देखने जाती है जिसमें 2 अडल्ट हैं और 4 बच्चे हैं, 2 अडल्ट की जो टिकट आई है वो आई है ₹220 की, तो बच्चों की टिकट कितने रुपए की आएगी, 2 अडल्ट की टिकट ₹220 की, 1 अडल्ट की टिकट का प्राइस कितना होगा, 220 डिवाइड बाई 2, 110। और बोला है बच्चे की टिकट जो है वो अडल्ट की टिकट से हाफ है, आधी है, तो अगर अडल्ट की टिकट 110 रुपीज़ की है तो बच्चे की टिकट 110 डिवाइड बाई 2, 55 रुपीज़ की होगी, एक बच्चे की टिकट 55 रुपीज़ की, और यहाँ पे क्वेश्चन में 4 बच्चे हैं, तो 55 मल्टीप्लाई 4, 220 रुपीज़ की टिकट होगी चारों बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 30, अ 500 ग्राम केक कॉस्ट ₹250, बट 1 केजी केक कॉस्ट ₹450, इज देर एनी मॉनेटरी एडवांटेज गेन इन बाइंग द 1 केजी केक। अगर 500 ग्राम का केक ₹250 का आता है और 1 केजी का केक ₹450 का आता है, तो क्या 1 केजी का केक लेने में हमको कोई फ़ायदा है। पहले हम 1 ग्राम की कॉस्ट निकालेंगे दोनों में, तो 500 ग्राम का केक ₹250, 1 ग्राम 250 डिवाइड बाई 500, अब ये छोटा है तो ज़ीरो लगा के पहले डेसिमल लगाओ, यहाँ आ गया ज़ीरो, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे 1 ग्राम की कॉस्ट पड़ रही है 0.5 50 पैसे। अब 1 केजी में भी निकालो, 1 केजी की कॉस्ट थी ₹450, 1 ग्राम की कॉस्ट हो जाएगी 450 डिवाइड बाई 1000, अब ये छोटा है पॉइंट लगा के ज़ीरो आ गया, 1000 4 ज़ा 4000 और 5 ज़ा 5000, तो 0.45, यहाँ पे 1 ग्राम की कॉस्ट आई 0.50 और यहाँ पे 1 ग्राम की कॉस्ट आई 0.45, तो 1 केजी का केक लेने में हमको फ़ायदा है। और अब हमारा यूनिटरी मेथड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।